नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं BNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के जो सिरोंज जनपद पंचायत CEO के खिलाफ EOW ने FIR दर्ज की। उन्होंने बड़ा कारनामा किया है। उन्होंने उस वक्त 3500 युवतियों के कन्यादान में 18 करोड़ रुपए बांट दिए, जब लॉकडाउन में शादियां बंद थी। विदिशा SDM शोभित त्रिपाठी ने सिरोंज जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहते हुए विवाह सहायता योजना के तहत ये करोड़ों का घोटाला किया। त्रिपाठी ने उन लोगों को इस महत्वपूर्ण योजना की राशि बांट दी जो इसके पात्र ही नहीं थे। कई फर्जी हितग्राहियों को भी योजना का पैसा दिया गया। EOW ने अब त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार, गबन, धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि विदिशा के कलेक्टर ने इसकी उच्च स्तरीय जाँच की थी, उसमें भी यह आरोप सही पाए गए थे। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नाराजगी जाहिर की थी। जानकारी के मुताबिक इस मामले को विधानसभा में भी उठाया गया था। खुद BJP विधायक उमाकांत शर्मा विधानसभा में इस मामले को लाए। उन्होंने बताया था कि CEO त्रिपाठी ने विवाह सहायता योजना के तहत कोरोना काल में बोगस हितग्राहियों को करोड़ों रुपए वितरित कर दिए। इसके बाद हुई जांच में आरोप सही पाया गया। जांच में पता चला कि जब लॉकडाउन लगा था और सार्वजनिक शादियों की अनुमति नहीं थी, तब CEO शोभित त्रिपाठी ने 1 अप्रैल 2020 से 35 जून 2021 के बीच करीब 3500 हितग्राहियों को विवाह सहायता के नाम पर 18,52,32,000 रुपए बांट दिए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।